हेलो फैमिली, आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। ये कढ़ी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, इस तरीके से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ये अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये दही ले ली थी और इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इसे अच्छे से हम फेटेंगे। इस तरीके से पूरा उस बेसन का लम्स निकलते तक हम इसको हम फेट लेते हैं अच्छे से। और जो दही लिए हैं, दही भी अच्छे से फेट आ जाएगा, उसमें दाना नहीं रहेगा। इस तरीके से हम अच्छे से फेट लेंगे। देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं, ये धनिया पाउडर है 1/2 चम्मच, और ये हींग को हम फोरन के लिए रखे हैं, तड़का मारेंगे तो उसको साइड कर देते हैं। और ये हल्दी ले लिए हैं, हल्दी भी 1/2 चम्मच से थोड़ा कमी है। और ये नमक ले लेते हैं, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। अब ये पीसी हुई लाल मिर्च है, इसे भी हम ले लेते हैं, इसे भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तीखा कम ज़्यादा आप अपने फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से। अब इसे हम अच्छे से मिला के अच्छे से पूरा अच्छे से फेट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से हम जितने ही अच्छे से फेटेंगे उतने ही बेसन और दही अच्छे से फेट आ जाता है, मिल जाता है। और इसे हम फेट के, ये देखिए, थोड़ा और पतला कर लिए हैं पानी डाल के। 1 गिलास से भी कम पानी डाल के हम इसे फेटे हैं। इस देखिए, इस तरह का से हम इसे अच्छे से हम फेट लेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। और पकौड़ी के लिए हम, ये देखिए, मैं बेसन को हम सान लेते हैं, तो इसमें जो बचा हुआ मिर्च था पीसा हुआ, और हल्दी, आइए थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए। देखिए, हल्का ही नमक डालेंगे क्योंकि कढ़ी में हम नमक डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ये सोडा ले लेते हैं, थोड़ा सा ही लेंगे। ये देखिए, 1 चुटकी से भी कम है बस। अब इसे हम पानी डाल के हम सान लेते हैं। सोडा हम कम ही लेंगे और हल्दी भी कम ही डालिएगा, क्योंकि सोडा डाल रहे हैं तो फिर अगर हल्दी ज़्यादा हो जाने से पकौड़ी आपका लाल लाल हो जाएगा अंदर से। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे सान लेते हैं। एक बैग ज़्यादा पानी डालने से गीला हो जाएगा और फेटते भी नहीं बनेगा, इसीलिए हम बस थोड़ा सा ही पानी डाल के इस तरीके से हम अच्छे से हम फेट लेते हैं। देखिए, कम से कम 2 से 3 मिनट बेसन को अच्छे से फेटिएगा, इसमें हवा भर जाएगा इस तरीके से, तो ये पकौड़ी बहुत अच्छे से फूलेगी भी और कढ़ी में हार्ड नहीं होगी इस तरीके से बनाने से। ये देखिए, इतने ही गाढ़ा रखे हैं हम। आप इस तरीके से कढ़ी पकौड़ा बना के देखिए, खाने में बहुत यमी लगता है। चलिए, अब कढ़ाई में मैं तेल गरम कर ली हूँ, अब इसमें हम पकौड़ी छान लेते हैं। ये देखिए, पकौड़ी हम थोड़ा थोड़ा लेके जितना बेसन है सबको हम छान लेते हैं। आप इस तरीके से कढ़ी पकौड़ी बना के देखिए, बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाती है। और इसे बनाने के बाद अपने को सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब चलिए, इसे मैं अलट पलट करके पका लेती हूँ। ये देखिए, सबको मैं अच्छे से अलट पलट करके पका लेती हूँ। आप इस तरीके से कढ़ी पकौड़ा बनाइए और एंजॉय करिएगा। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप चावल, एक तरफ चावल चढ़ा दीजिए और एक तरफ कढ़ी छौंक लीजिए, तुरंत बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और जल्दी जल्दी में आपको 10 मिनट में खाना बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से बनाएंगे तो। ये देखिए, अब पकौड़ी लाल हो गई है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ।
अब चलिए मैं आगे आपको आगे की रेसिपी दिखाती हूँ। सेम कढ़ाई और सेम तेल में ही हम ये सरसों डाल देंगे फोरन में, ये थोड़ा सा मेथी दाना है और ये थोड़ा सा अजवाइन लिए हैं, अजवाइन डालने से टेस्ट अच्छा लगता है। और हरी मिर्च दो है और लाल मिर्च भी दो है, इसे भी हम सेम समय पे डाल देंगे। और ये हींग, कढ़ी में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं डालती हूँ। ये देखिए अब ये कड़ी पत्ता डाल दिए, अब ये फोरन हमारा लाल हो गया है तो हम इसमें बेसन भी डालेंगे, जो बेसन घोल के हम रखे थे अब उसे हम डाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से हम तड़का देंगे, तो जो तड़का देंगे तो उसका सेंट बहुत अच्छा आता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। ये देखिए अब बेसन को हम पका लेते हैं चला चला के, बेसन को कम से कम हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे इस तरीके से, तो बेसन हमारा कच्चा नहीं रहेगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मैं रुक रुक के अच्छे से चला रही हूँ, इसे अच्छे से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए देखिए बेसन गाढ़ी होने लगी है, आप रुक रुक के चलाएंगे ना तो बेसन इसी तरीके से पक भी जाएगी और खाने में टेस्ट भी आएगा। आप एक बार इस तरीके से कढ़ी बना के देखिए, बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, ये देखिए मैंने इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भूंजा है। देखिए अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, मैं इसमें 1.5 गिलास के लगभग पानी डालूंगी क्योंकि जब बड़ी पकाऊंगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी ये। ये देखिए इसमें मैं पानी डाल के सारा बेसन को और पानी को अच्छे से मिला दी हूँ। ये देखिए अब ये इतना पतला है, अब ये हम देखिए बड़ी में हम छेद कर लेते हैं इस तरीके से, कांटे वाला चम्मच लेके आप इसमें छेद कर दीजिए, अगर कांटा चम्मच नहीं है तो चाकू के नोक से आप छेद कर सकते हैं। इससे क्या है बड़ी का जो झोर है वो बड़ी में अच्छे से घुस जाएगी। ये देखिए और बड़ी भी बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगी। सारे पकौड़ी को हम इसी तरीके से छेद कर लेते हैं। ये देखिए इधर कढ़ी में उबाल भी आ गया है, ये एक उबाल आने के बाद हम अपनी जो बड़ी में छेद कर रहे थे उसे हम डालेंगे। जब ये देखिए मीडियम कर दिए हैं फ्लेम को क्योंकि कढ़ी ऊपर तक आ जाएगी, अब इसमें हम डाल देते हैं बड़ी को। अब इस प्रकार इसे हम चला देते रहेंगे और बड़ी को उसके साथ हम मिलाते रहेंगे तो बड़ी बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और कढ़ी में जो बड़ी रहेगा वो मुंह में घुल भी जाता है बहुत अच्छा से। चलिए अब इसी समय पे थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देते हैं काट के, अब फ्लेम को हम मीडियम ही रखे हैं, अब इसे हम तेज नहीं करेंगे, तेज करेंगे तो कढ़ी ऊपर उफन के आ जाएगा तो गिर जाता है, इसीलिए हम इसे मीडियम ही आँच में अच्छे से पका लेते हैं। कम से कम इसे हम 5 मिनट पकाएंगे बड़ी डालने के बाद, तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और बड़ी को अच्छे से हम इसी में डीप कर देंगे। देखिए इस तरीके से खोलते रहेगा तो बड़ी अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, देख रहे हैं कितना अच्छा बड़ी खिल गया है। ये देखिए और ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। बड़ी में आप छेद जरूर करिएगा, चाहे चाकू से हो चाहे चम्मच से हो तो बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा डबल डबल हो गया है जो बड़ी डाले थे हम। ओके फैमिली बाय।